मैं श्याम नारायण राजभर, और आज वो दिन है कि जो हम 19 तारीख को संसार के लिहाज जितनी लोर धर काई भी हैं। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। मुंबई के कांदिवली से खबर ये है, जहाँ पे पूर्व विधानसभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी की श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। कार्यक्रम के आयोजक राम राजभर, कार्यक्रम में उपस्थित रामविलास राजभर, बेचन राजभर, लखनदर राजभर, सुदामा राजभर, राजेश राजभर, श्रवण राजभर, गायक अनिल राजभर, बबलू राजभर, रामू भरद्वाज, एडवोकेट अस्मिता नंदलाल राजभर, श्याम नारायण राजभर, विद्याधर राजभर, अन्य लोग उपस्थित रहे कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आयोजक श्री राम राजभर, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ में कोसा अध्यक्ष श्याम नारायण राजभर सर्व समाज के लोगों से कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में लोगों को बताएं कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी के विचारधारा पे हम लोग चलेंगे, और सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य था सर्व समाज में दहेज को लेकर और नशा मुक्त को लेकर सर्व समाज शिक्षित और संगठित बने। इसी पे इस कार्यक्रम में उद्बोधन अपने विचार में दिए, और साथ ही साथ सभी लोगों से अपील किए कि हर साल माननीय सुखदेव राजभर जी की श्रद्धांजलि मनाई जाएगी। और एक जगह सभी लोगों से यही अपील है कि हमारे राजभर समाज की गौरव रहे, बहुत बड़े लीडर रहे। इसी के साथ और भी तमाम अपने मुद्दों को समाज से लेकर रखें, और आइए उनकी विचारधारा को मैं दिखाता हूँ। बाबू जी सुखदेव राजभर जी नहीं रहे, तो सभी लोगों को पता है 19 तारीख को उनका ध्यान हुआ था और 20 तारीख को उनको दिया गया था वाराणसी में आजमगढ़ में। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं ऐसा कभी हमारे समाज के लिए मिलेगा ये तो सोच में नहीं कि हमारे समाज के लिए ऐसा व्यक्ति, समाज सेवक, जो समाज के बीच में रहने वाला व्यक्ति मिलेगा। ये बहुत बड़ी क्षति हमारे राजभर समाज के लिए हुई है, और इस विषय में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जितना हो सके उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम सब प्रयत्न करें, और जगह जगह लोग प्रयत्न कर भी रहे हैं उनकी आत्माओं को शांति के लिए। और अब उस कहने में बड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है, उसमें हम लोग मॉरल में भी ये चीज़ रखे थे श्रद्धांजलि इनका, लेकिन वहाँ भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे कितनी बड़ी क्षति हमारे बीच में नहीं है करके। और मैं चाहूँगा कि इनके बारे में अगर कोई दो सब कहे तो अच्छी बात है, क्योंकि लगेगा कि इन्होंने जो भी कुछ करके गए हैं समाज के लिए, और समाज के लिए किस रास्ते पे जाना है ये हमें सिखा के गए हैं, और इनके साथों साथ इनके
बोलने से, इनके कामों से हम लोग काफ़ी प्रभावित थे। जब उस समय छोटे छोटे थे तब पता चलता था कि नहीं, सुखदेव राजभर जी कोई एक राजभर है, हम लोग चाहते थे ये राजभर कोई रहे। बसपा के बहुत बड़े लीडर थे, 1991 में इन्होंने 24 वोट से जीते थे, उस समय बसपा से खड़े थे 24 वोट से मात्र। इनके सामने बीजेपी के नरेंद्र सिंह थे करके, उनको इन्होंने पहली बार हराया था और ये कम से कम 4 बार विधायक रह चुके हैं। आज भी इस कंडीशन में भी ये स्पीकर थे, और कोई भी ऐसा भारत में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा समाजसेवी या कोई ऐसा नेता नहीं है जो स्पीकर रहते हुए भी मतलब भगवान के पास चले हुए। तो मैं चाहूँगा कि माननीय पिताजी सुखदेव राजभर जी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते मैं उनको बहुत बहुत साथियों, हमारे बीच में हमारे समाज के वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे समाज से दर्जनों लीडरों को पैदा किया। मुझे याद है एक बात कि बहुत वर्षों पहले की बात है कि जब हमारे बिरादरी को एक दृष्टि से समाज में देखा जाता था, हमारे समाज में एक व्यक्ति पैदा हुए थे कटिया के, हनुमान डॉक्टर, जो कि चंद्रा ब्लॉक में जो है एक पशु डॉक्टर के पद पर नियुक्त थे। घटना इस प्रकार हुई कि एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति की एक भैंस बीमार थी और हनुमान ने घर ले लिया। वहाँ ले जाने के बाद भैंस को इंजेक्शन लगाए, भैंस ठीक हो गई। कहे कि अब आपकी भैंस ठीक हो जाएगी, मैं जाता हूँ। वो व्यक्ति कहा कि नहीं, जब तक भैंस तबूरी न करने लगे तब तक आँख बच जाएगी। हनुमान डॉक्टर नहीं रुक गए, भैंस तबूरी करने लगी। जब जाने लगे तो कहे डॉक्टर साहब फैमिली रहती है, आप अकेले रहते हैं? डॉक्टर साहब बोले नहीं, मैं अकेले रहता हूँ, बना करता हूँ। कहना हमारे यहाँ कुछ चौथ का प्रोग्राम है, कुछ शादी के बाद जो चौथ आती है उसी उनके कुछ मेहमान आए हुए। कहे कि हाँ रुक जाइए, कुछ मटन की व्यवस्था है, खाते अपना अपनी जीव से आपको छुड़वा दूंगा। अब वो व्यक्ति क्या किया कि हनुमान डॉक्टर को जो है एक कच्ची हड़िया को आधा फोड़ करके और उसमें मटन खाने के लिए। हनुमान डॉक्टर देखे तो कहे भाई साहब, आपके गांव में कोई अगल बगल में कोई अर्जन नहीं रहता है, चमार नहीं रहता है, तना है ना बहुत बड़ी बस्ती है, तना कोई ढूंढ नहीं जाता है क्या आकर पता, तना ढूंढ नहीं है यहाँ, तना वहीं से आप ला के खाने हमको खिला दिए, हमको क्या पता आप खाली कहाँ से लाए। अब वो पछताने लगा, बहुत क्षमा मांगा, कलश के मैं बर्तन में आपको कल नहीं हो गया, बस अब हमको छुड़वा दीजिए ब्लॉक पे, अब मैं खा लिया। और डॉक्टर चंद्रोक ब्लॉक पर गए और सुबह छुट्टी लेकर के अपने गांव आए, और गांव आने के बाद करमपुर के सुखदेव मैनेजर और पाणेपुर के लौजारी चौधरी, ऐसे दर्जनों चौधरियों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी व्यथा बताई और कही कि सर्वे करिए बिरादरी के अंदर कि आखिर हमारे बिरादरी में क्या कमी है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। चौधरियों ने सर्वे करके ये बताया कि बिरादरी में कोई कमी नहीं, अगर कमी है कुछ तो हम बिरादरी के कुछ लोग सुअर पालते हैं, इसके वजह से हमको एक नज़र से देखा जाता है। आपको बता दूं साथियों कि सुखदेव राजभर जी उस जमाने में गांव-गांव जाके बस्तियों में जाके बिरादरी को जो है समझाया, आह्वान किया कि आप ये काम छोड़ करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और आज आप सबको मालूम है कि हर समाज का व्यक्ति आज मुझे सम्मान देता है। मऊ की घटना आपको आज अच्छे में का लिया प्राण के उड़ाई दी है, ओ निखा निगढ़ा निखरे सुताई दी है, अरे माटी के ऊपर नीचे माटी गिराई दी है, टोलवा अपन समाज के लोग बटुराई के संसार के लिहाज तनि लोर धरकाई दी है। अरे आज मुंबई कांदिवली में पूर्व यूपी विधानसभा अध्यक्ष
माननीय सुखदेव राजभर जी की श्रद्धांजलि मनाई गई है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के तरफ से। और यहाँ पे सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे और कुछ बताएंगे माननीय सुखदेव राजभर जी के बारे में। आपका परिचय। पहले तो मैं धन्यवाद आपको बोलूँगा, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र को उपाध्यक्ष मैं श्याम नारायण राजभर। और आज वो दिन है कि जो हम 19 तारीख को सुने थे कि हमारे बीच में मंत्री जी नहीं रहे, हमारे पैर से ज़मीन खिसक गई, लेकिन अब आज उनके याद में हम लोग यहाँ पे कांदीवली में उपस्थित हैं। और मैं सारे राजभर समाज को यहाँ उपस्थित होकर सारे को धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरीके से इनके बताए हुए राहों के ऊपर चला जाए, ये हमारे से धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे पिताजी हैं, इनसे भी जानेंगे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी के श्रद्धांजलि पे कुछ अपने सर्व समाज के बारे में कुछ आप बताइए। सबसे पहले मैं मंत्री जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और कहना क्या है समाज के लिए, माननीय मंत्री जी का जो सपना था कि हमारी समाज संगठित हो, सुसज्जित हो, नशा मुक्त हो, दहेज मुक्त हो, वो सपना हमारे मंत्री जी का साकार करना है बिरादरी को, हमारे समाज को। और मंत्री जी ये हमेशा चाहते थे कि शिक्षा का स्तर हमारे समाज में ऊंचा हो और हमारे समाज में जहां भी जिस मंच पर भी आदमी राजनीति कर रहा है उस मंच से समाज का कार्य करे, पर इतना ध्यान रखे कि समाज का कोई व्यक्ति कहीं उच्च पदों पर है तो उसकी निंदा ना करें, अवश्य अपनी बात रखे, मनाही नहीं है, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति की निंदा ना करें जो है, ये मंत्री जी का सपना था जो है। आज मुंबई के कांदीवली राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के तरफ से सर्व समाज को माननीय सुखदेव राजभर जी के निर्देशानुसार चलने का लोगों ने यहाँ पे एकत्रित हुए प्रयत्न किए, इसी के साथ धन्यवाद।